वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकग्निशन एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के अंदर हमारे 8 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले ब्रीफली रिकग्निशन को डिस्कस करेंगे, फिर मेजरमेंट एट रिकग्निशन जो कि कॉस्ट पर होती है, फिर मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन में दो पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास, एक फेयर वैल्यू मॉडल अलाउड है और एक कॉस्ट मॉडल। तो फेयर वैल्यू मॉडल को डिस्कस करेंगे, और अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर ना हो सकती हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है वो भी डिस्कस होगा। एंड देन कॉस्ट मॉडल को डिस्कस करने के बाद हम डिस्पोजल्स की अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और एंड में कुछ एग्जांपल्स हम शेयर करेंगे एक से दो, जिसके अंदर हम फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल का डिफरेंस और उसमें डिस्पोजल के गेन का डिफरेंस कैसे राइज होता है उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो रेकग्निशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो IAS 40 में जो रेकग्निशन प्रिंसिपल है वो बाकी नॉन करंट एसेट्स जैसा ही है। तो एन ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी रेकग्नाइज एज एन एसेट वेन एंड ओनली वेन, जब ये क्राइटेरिया मीट हो, और वो क्राइटेरिया ये है कि प्रोबेबल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो एसोसिएटेड है उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ वो एंटिटी को फ्लो करेंगे, यानी एंटिटी को फ्यूचर में उस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, ये प्रोबेबल है, और उसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली मेजर हो सकती है। इस कॉस्ट में जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो हमारी कॉस्ट लगती है, जो इनिशियली उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होती है, और जो बाद में अगर हम कोई उसका पार्ट रिप्लेस करने के लिए या कोई प्रॉपर्टी को सर्विस करने के लिए कॉस्ट लगाते हैं, वो सब शामिल है। लेकिन जाहरी बात है कि जो सर्विस कॉस्ट है उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और रिप्लेसमेंट अगर एक मेजर सिग्निफिकेंट पार्ट की होती है तो वो फिर डिफरेंट अकाउंटिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं या डे टू डे सर्विसिंग है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, जैसे बिल्डिंग की क्लीनिंग है या कहीं पे बिल्डिंग के अंदर अगर कोई टूट फूट हो रही होती है तो उसको आप रिपेयर करवा रहे होते हैं, तो वो तो आप प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बाद अगर पार्ट जो है वो रिप्लेस भी हो सकता है, जैसे एक जो इंटीरियर वॉल्स हैं उनकी आपने रिप्लेसमेंट कर दी ऑफ ओरिजिनल वॉल्स की, तो पुरानी वॉल्स जो हैं वो ख़राब हो रही थी, आपने ऑल टुगेदर पुरानी वॉल्स ख़त्म कर दी और उसकी जगह न्यू स्टाइल की, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मटेरियल के साथ जो है ना वॉल्स डिवेलप की। तो ऐसे केस में जो न्यू पार्ट्स हैं अगर वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करते हैं तो उनको आप रिकग्नाइज कर लेंगे, और जो पार्ट आपने रिप्लेस कर दिया है, जो पार्ट अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं रहा है, उसको डी रेकग्नाइज कर देंगे। तो यूजुअली ये डिस्पोजल एट जीरो होगा, तो जो वैल्यू होगी उसका लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लेट से स्क्रैप में कुछ पैसे मिल जाने तो उतने से आपका लॉस जो है रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेजरमेंट एट रेकग्निशन को। तो मेजरमेंट एट रेकग्निशन में हमारा जो फोकस होगा वो सबसे पहले तो ये है कि इनिशियली जो मेजरमेंट करनी है वो एट कॉस्ट करनी है। अब इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनिशियल मेजरमेंट में शामिल होंगी, इंक्लूडेड होंगी। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे प्रोफेशनल फीस हैं, रजिस्ट्री वगैरह है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उसकी परचेज प्राइस शामिल है और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर शामिल है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर में प्रोफेशनल फी, लीगल सर्विसेज की, ट्रांसफर के टैक्सेस और जो दूसरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती हैं जैसे कमीशन वगैरह पे करना पड़ता है, तो वो सब इसमें शामिल है। जिन कॉस्ट को हमने शामिल नहीं करना कॉस्ट में, उसमें स्टार्टअप कॉस्ट हैं, जैसे एक अनलेस के वो प्रॉपर्टी को उस कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी हो जो मैनेजमेंट इंटेंड करती है, उससे पहले आप कहते हैं कि जी ये रेंटल के लिए रेडी नहीं होगी, तो अगर रेंटल के लिए रेडी करने के लिए कॉस्ट लगती है दैट्स फाइन, अदर देन दैट कोई कॉस्ट होगी तो वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसी तरह जो लॉसेज आपको होते हैं, जैसे रेंटल पे एक प्रॉपर्टी आपने जो है ना पूरा एक बिल्डिंग ली हुई है और उसके डिफरेंट आपने अपार्टमेंट्स जो हैं रेंट पर देने हैं, तो जब तक मुकम्मल अपार्टमेंट रेंट पर नहीं जाता तो आपको लॉसेज हो रहे होंगे क्योंकि फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं हो रहा होगा, तो उसमें भी जो लॉसेज होंगे वो प्रॉफिट और लॉस में आप चार्ज करेंगे, उन्हें आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। एबनॉर्मल वेस्टेज भी अगर कोई होता है प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट या डेवलप करते हुए, वो भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। और IAS 40 के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट सेम हैं जो IAS 16 के अंदर अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के जो रूल IAS 16 में अप्लाई हो रहे हैं वही IAS 38 में अप्लाई होते हैं, वही IAS 40 में अप्लाई होते हैं। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, यानी इनिशियली तो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पर रिकग्नाइज कर लिया, लेकिन बाद में आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास चॉइस ऑफ पॉलिसी है। पहली चॉइस तो हमारे पास ये है कि हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि कॉस्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं।
कॉस्ट मॉडल इज ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम एज i16 में, जो कॉस्ट मॉडल यूज होता है कॉस्ट लेस एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का। थोड़ी सी यहाँ पे जो है वैरायटी है जिसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाज़ूकात राइट ऑफ यूज एसेट भी हो सकता है और हेल्ड फॉर सेल भी हो सकता है। फेयर वैल्यू मॉडल जो है ये रिवैल्यूएशन मॉडल से डिफरेंट है, तो अभी आगे जाकर हम फेयर वैल्यू मॉडल के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो मेन आपने ख्याल रखना है कि फेयर वैल्यू मॉडल इज नॉट रिवैल्यूएशन मॉडल। जो भी पॉलिसी आप चूज करते हैं वो फिर तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर जो है वो अप्लाई की जाएगी, ताकि मैनिपुलेशन ना हो सके, ये ना हो कि आप अपनी मर्जी के कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है वो फेयर वैल्यू पर शो कर रहे हैं और कुछ कॉस्ट मॉडल पर शो कर रहे हैं। तो जो भी आपकी चूजन पॉलिसी होगी वो आपने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई करनी है। और फिर क्या आप ये पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक रूल्स हैं आईएएस 8 के उसके मुताबिक तो यही है कि अनलेस के आप समझते हैं कि मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगी, ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन हम डेवलप कर सकते हैं, तो फिर तो हम जो है पॉलिसी चेंज करेंगे, लेकिन अदरवाइज नहीं करेंगे। IS-40 स्पेसिफिकली एक पॉइंट ये डिस्कस करता है कि फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पर अगर जाते हैं तो ये अनलाइकली है कि इससे आपकी ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर फेयर वैल्यू मॉडल जो है वो ज़्यादा सूट करता है। हाँ, बाजू का डाटा अवेलेबल नहीं होता, या हम कहते हैं कि जी जो हमारी पॉलिसी हमने इसलिए कॉस्ट मॉडल रख ली है क्योंकि वैल्यूएशन पे कॉस्ट खर्चा आता है, पैसे लग जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए हमने कॉस्ट मॉडल रखा हुआ है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज जो फेयर वैल्यू मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसके एसेट की नेचर के हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक चीज़ कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, तो अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपका गेन बनता है, और अगर वैल्यू कम हो रही है तो आपका लॉस बनता है। तो फेयर वैल्यू मॉडल जो है वो बहुत अप्रोप्रिएट मॉडल है, और बहुत कम चांस है कि फेयर वैल्यू मॉडल से आप कॉस्ट मॉडल पर जाएं तो आप कह रहे हो कि फेयर प्रेजेंटेशन आ रही होगी। अब हम डिस्कस करेंगे फेयर वैल्यू मॉडल को। तो प्रिसाइजली फेयर वैल्यू मॉडल में हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब एक एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करती है तो नंबर वन तो ये कि वो अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर रिवैल्यू करती है एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अब फेयर वैल्यू को यहाँ पर आप ओपन मार्केट वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इसकी जो प्रिसाइज डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक तो जहन में रखना है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर होना है। मैं यहाँ पर इसे डिस्टिंग्विश भी करता जाऊँगा रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ। तो रिवैल्यूएशन मॉडल में एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर आपकी जो वैल्यूएशन है वो होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ अवकात आप साल के शुरू में करते हैं, मिड में करते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एंड पर ही होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि रिकग्नाइज एनी रिजल्टिंग गेन और लॉस इन प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन मॉडल में गेन आए तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाता है, लॉस हो तो वो हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी डिफरेंट है। तीसरा ये कि प्रॉपर्टी वुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड। रिवैल्यूएशन मॉडल में जो आपके पास एसेट्स होते हैं उनको आप डेप्रिशिएट करते हैं, अदर देन ऑब्वियसली लैंड, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन तो वैसे भी चार्ज नहीं हो रही होती। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल अगर किसी लैंड या बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई होता है तो फिर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो ये आपने खास तौर पे ध्यान में रखना है कि ये जो रिवैल्यूएशन मॉडल हम IS-16 और IS-38 में पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है। वहाँ पर जो गेन है उनको अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिपोर्ट किया जाता है, और वहाँ से वो रिवैल्यूएशन सरप्लस का हिस्सा बनते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो मेजरमेंट है उसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फेयर वैल्यू की प्रिसाइज डेफिनेशन अगर देखें तो दैट इज कि प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट डेट। तो IFRS 13 के मुताबिक जो डेफिनेशन है वही हम यूज़ करेंगे, और जो जहाँ पे ये जहन में रखना है कि ओपन मार्केट वैल्यू हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट के तौर पे कहा है कि ये एक अच्छी फेयर वैल्यू रहेगी, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन आप फॉलो करेंगे। अब एक सिचुएशन हमारे पास अराइज होती है कि बाज़ूकात एक फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मैयर नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या करेंगे? सो इन दैट केस अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आप उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर नहीं कर सकते, लेकिन एंटिटी की एक्सपेक्टेशन है कि बाद में जब ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास रिलायबल मैयर आ जाएगा, फिर हम फेयर वैल्यू को रिलायबली मैयर कर सकेंगे, तो आपने उसको इनिशियली कॉस्ट पे मैयर कर लेना है। अंटिल कब तक कर लेना है? जब तक कि उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मैयरेबल ना हो जाए या उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हो जाए। जो इनमें से काम पहले हो जाएगा उस टाइम पर आप उसको कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू पे शिफ्ट कर देंगे। फिर बात आती है ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन के अलावा है। तो इस केस में जो आपका IS-16
होगा वो अप्लाई हो रहा होगा अगर आपका ओन्ड एसेट है, और IFRS 16 अप्लाई हो रहा होगा अगर आपका राइट ऑफ यूज एसेट है। तो आप उसके हिसाब से आप इसको मैयर करेंगे और उसमें जो कॉस्ट मॉडल है वो अप्लाई कर देंगे। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 0 एज्यूम करके चलेंगे, और जब तक प्रॉपर्टी का डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक आप उस पर रेलिवेंट जो स्टैंडर्ड है IS 16 और IFRS 16 जो भी आप अप्लाई करें। ओन्ड एसेट है आपका ओनरशिप में तो IS 16, और अगर लीज पर लिया हुआ है राइट ऑफ यूज एसेट है तो IFRS 16, तो ये आप अप्लाई कर रहे होंगे। और डिस्पोजल तक फिर आप वो उसके मुताबिक ही कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले हम फेयर वैल्यू पे मैयर कर रहे हों और बाद में उसकी मार्केट में प्राइसेस जो हैं कम अवेलेबल हो जाएं, या उतनी एक्टिव मार्केट उसकी ना रहे, या उतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन वहाँ पर ना हो रही हों तो फेयर वैल्यू में हमें प्रॉब्लम आ रहा हो लेने में। तो इसमें इफ़ एन एंटिटी हैज़ प्रीवियसली मैयर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू, इट शेल कंटिन्यू टू मैयर द प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू अनटिल डिस्पोजल और ट्रांसफर, जैसे ओनर को पाईडी इन्वेंट्री में ट्रांसफर हो जाता है या डिस्पोजल हो जाता है। इवन इफ कंपेरेबल मार्केट ट्रांजेक्शन बिकम लेस फ्रीक्वेंट और मार्केट प्राइसेस बिकम लेस रेडिली अवेलेबल। तो जब आप एक मरतबा फेयर वैल्यू पे मैयर कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो फिर आप फेयर वैल्यू पर ही मैयर करते रहेंगे। अब बात करते हैं हम कॉस्ट मॉडल की। तो कॉस्ट मॉडल में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर एक एंटिटी कॉस्ट मॉडल को चूज़ करती है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेजरमेंट के लिए, तो अगर तो वो एसेट आपका हेल्ड फॉर सेल का क्राइटेरिया मीट करता है अंडर IFRS 5 तो IFRS 5 अप्लाई होगा। अगर वो राइट ऑफ यूज एसेट है और हेल्ड फॉर सेल नहीं है तो फिर IFRS 16 अप्लाई होगा, और अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस IS 16 अप्लाई होगा। सो बेसिकली इन लाइक 99% ऑफ द सिचुएशन में आप IS 16 अप्लाई कर रहे होंगे, और जो है कॉस्ट मॉडल जो IS 16 में कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस उसके मुताबिक आप मेजरमेंट करेंगे। डिस्पोजल्स की बात करते हैं, तो डिस्पोजल्स में एक जो हमारे पास सबसे पहले डी रेकग्निशन हमने कब करनी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डी रेकग्नाइज किया जाएगा यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन से हम एलिमिनेट कर देंगे ऑन डिस्पोजल, और वैन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज परमानेंटली विदड्रॉन फ्रॉम यूज एंड नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्पोजल का और एक कॉन्सेप्ट होता है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एसेट से का डिस्पोजल आप नहीं करेंगे, लेकिन एसेट से अब आपको कोई फ्यूचर में फ़ायदा भी नहीं होना, तो एंट्रीज तो उसकी डिस्पोजल वाली ही होती हैं, लेकिन उसको भी बाकायदा कहा जाता है कि जी एसेट अब विदड्रॉन फ्रॉम यूज है परमानेंटली और उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं आने, यानी एक चीज़ स्क्रैप हो जाती है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, यू जस्ट इग्नोर इट। तो ये रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है एसेट की। तो डिस्पोजल हो या रिटायरमेंट हो, दोनों सूरतों में एसेट को डी रेकग्नाइज कर दिया जाएगा। गेन और लॉस सिंपली जैसे डिफरेंट चीज़ों में मैयर किया जाता है वो प्रॉफिट और लॉस में रेकग्नाइज किया जाएगा, एंड इट वुड बी इक्वल टू नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट। अब कैरिंग अमाउंट अंडर कॉस्ट मॉडल डिफरेंट होगी और अंडर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू मॉडल डिफरेंट होगी, तो दोनों जो मॉडल हम यूज़ कर रहे होंगे उसमें कैरिंग अमाउंट डिफरेंट होगी, तो गेन और लॉस की अमाउंट भी डिफरेंट होगी। कंपनसेशन फॉर लॉस की बात करें, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है एक लैंड और बिल्डिंग और वो आग लगने से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो है कंपनसेशन मिलेगी। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट आईएस जो है IS 40 में ये गिवन है कि कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट वाज इम्पेयर्ड लॉस्ट और गिवन अप शेल बी रेकग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस वेन द कंपनसेशन बिकम्स रिसीवेबल। तो फॉर एग्जाम्पल आपका इंश्योरेंस क्लेम जब रिसीवेबल बन जाता है जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है बाय फायर बाय फ्लड और सम अदर रीजन। अब एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि ऑन 1 जनवरी ईयर 1 एंटिटी पी परचेज अ बिल्डिंग फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, द बिल्डिंग कॉस्ट ₹1 मिलियन विद ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹10,000। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी एट दिस डेट वॉज 300,000। द प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर 1 द प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू हैड राइजन टू 1.3 मिलियन। रिक्वायर्ड ये है कि इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रेजेंट करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 1 अंडर कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू। तो पहले हम कॉस्ट मॉडल को अप्लाई कर देते हैं।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन का जो हमारा इनिशियल कॉस्ट लगी है और 10,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। फिर इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे ओवर 50 ईयर्स, 6,000 की बनेगी और एसेट जो है 1,004,000 पर शो होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉफिट और लॉस में हम 6,000 की जो डेप्रिसिएशन हमने रेकग्नाइज की थी वो रिकॉर्ड कर देंगे। सेम एसेट पर अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करें तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो अपनी ईयर एंड की फेयर वैल्यू पर शो होगी और जो हमारी प्रॉपर्टी पर वैल्यू का चेंज आया है वो भी हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे गेन के तौर पे। तो इनिशियली हमारी प्रॉपर्टी जो है जी यहाँ पे 1,010 होना चाहिए, तो 1,010,000 पर शो हो रही होगी। उससे हम उसे जब 1.3 मिलियन पर लेकर जाएंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा 290,000 का। नाउ इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि सेम एसेट है लेकिन कॉस्ट मॉडल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसी एसेट पर जब आप फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक्सपेंस के बजाय एक गेन या इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो जो आपकी चॉइस ऑफ पॉलिसी होती है उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और यही रीज़न है कि इन पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी डिस्क्लोजर्स आगे रिक्वायर्ड होंगे ताकि यूज़र्स जो है वो पॉलिसी का इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अंडरस्टैंड कर सकें। अब जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे तो उधर ये सेम डाटा यूज़ हो रहा होगा, इसलिए इस डाटा को आप ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट एग्जाम्पल को पढ़ें। सो एग्जाम्पल टू है कि कंटेनिंग द सेम डाटा इज गिवन इन एग्जाम्पल वन, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड इन अर्ली ईयर टू फॉर ₹1,550,000 और सेलिंग कॉस्ट जो हैं वो 50,000 की लगी। रिक्वायरमेंट ये है कि गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करें अंडर कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। अब अगर हम देखते हैं कॉस्ट मॉडल की बात तो कॉस्ट मॉडल में हमारा एसेट 1,004,000 पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000 का रिकॉर्ड किया हुआ है। जब डिस्पोजल पे गेन कैलकुलेट करेंगे तो नेट सेल प्रोसीड्स जो हमारी हैं वो सेल प्रोसीड माइनस सेलिंग कॉस्ट के इक्वल आ जाएंगी, दैट इज 1.5 मिलियन। हमारा एसेट जो है वो 1,004,000 पर शो हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास 496,000 का गेन आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं फेयर वैल्यू मॉडल में तो हमारा एसेट रिफ्लेक्ट हो रहा है 1.3 मिलियन पर अपनी फेयर वैल्यू पर और गेन ऑन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हम 290,000 का प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर चुके हैं। गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करेंगे तो सेम नेट सेल प्रोसीड्स 1.5 मिलियन की आ जाएंगी। अब जो हमारी कैरिंग अमाउंट होगी वो 1.3 मिलियन की होगी और हमारे पास 200,000 का गेन आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस टाइम पर हम कंपैरिजन करें तो ओवर द टोटल ट्रांजेक्शन हमने ₹490,000 का गेन रिकॉर्ड किया है फेयर वैल्यू मॉडल में। और अगर हम कॉस्ट मॉडल में देखते हैं तो गेन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को नेट कर लें तो भी 490,000 बनता है। तो ये गेन ऑन डिस्पोजल पर हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था। विद दिस एग्जाम्पल दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।